बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक्सरसाइज बी है, पेज 33 है, कल क्रॉस वाइज फोकस की और ये सारी रिवीजन है एफएससी की। एक्सरसाइज बी हम करने लगे हैं, पेज नंबर 33 पे है और पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स है हमारे पास एक्स माइनस फोर माइनस थ्री एक्स, फाइंड हमने करना है एफ ऑफ फोर, एफ ऑफ एट और एफ ऑफ 13। इसे क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 4, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 13। ये ऑलरेडी हमने सेकंड ईयर में 1.1 का जो पहला क्वेश्चन उसमें ये चीज़ें की हुई हैं। तो हमारे पास एक्स की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 4, तो आएगा 4 माइनस 4 माइनस 3 इंटू 4, ये 0 हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया माइनस 12। फिर हम लेंगे एफ ऑफ 8, एक्स की जगह पे 8 माइनस 4 पुट उसी में करना है फंक्शन में, माइनस 3 इंटू 8, 8 से 4 जाएगा 4 और ये आएगा 24 और 4 का स्क्वायर रूट आपको पता है 2 माइनस 24 क्या आ गया। अगला है हमारे पास एफ ऑफ 13, तो आएगा 13 माइनस 4 फिर उसी में पुट करेंगे माइनस 3 इंटू 13, 13 से 4 जाएगा तो 9 आएगा और ये 39, 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा हमारे पास 3 माइनस 39, तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस 36। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है। नाउ वी गो टू क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 में है हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं कि इफ़ ए एंड एच आर रियल नंबर्स, तो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए, एफ ऑफ माइनस ए फाइंड करना है, माइनस एफ ऑफ ए फाइंड करना है, फिर एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एच फाइंड करना है और एंड पे हमने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच। ये भी कह लें कि प्रैक्टिस ही है और कुछ भी नहीं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, एफ ऑफ एक्स है 5x माइनस 2, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। जब एफ ऑफ ए लेने एक्स की जगह पे ए पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5a माइनस 2, जब ये लेना है माइनस एफ ऑफ ए इसी को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया पहला जूस। सेकंड ले लें आप, सेकंड में आपने क्या करना है एफ ऑफ माइनस ए पुट हर दफ़ा इसी में करना है, दिस इज़ अ मशीन, जो वैल्यू एक्स की इधर पुट करेंगे वही इधर, तो ये आ जाएगा 5 माइनस ए माइनस 2 और ये क्या आएगा माइनस 5a माइनस 2। फिर है एक बार एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एच, एक बार ए पुट करेंगे ए आएगा, फिर एच पुट करेंगे एच आएगा, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो मैं इधर इसको दोबारा लिख रहा हूँ, अब है मेरे पास एफ ऑफ एक्स, तो देखें एफ ऑफ ए क्या आया था 5a माइनस 2, तो फिर एफ ऑफ एच क्या आएगा उसी जगह पे पुट करेंगे 5h माइनस 2 और इन दोनों को ऐड कर देंगे एफ ऑफ एच, ये कह लें कि हमारा थर्ड पार्ट है, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 2 प्लस 5h माइनस 2। इसे आप लिख सकते हैं 5a प्लस 5h माइनस 2, 2 ऐड हो जाएगा। नंबर 4 पे है एफ ऑफ ए प्लस एच, अब जब आप x की जगह पे a प्लस एच पुट करेंगे तो राइट साइड में भी आएगा a प्लस एच माइनस 2 और ये जब हो गया तो हमने फाइंड करना है f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a ओवर h। इसकी वैल्यू तो हमने अभी फाइंड की, आपको सामने नज़र आ रही है, और f ऑफ a की हमने ऊपर फाइंड की है 5a माइनस 2, आएगा माइनस 5a माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा h, मल्टीप्लाई कर देंगे 5a प्लस 5h माइनस 2
माइनस फाइव ए प्लस टू ओवर एच। तो देखें फाइव ए भी काट रहे और टू से टू भी काट रहे, तो क्या बचा? फाइव एच ओवर एच, एच से एच गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया? फाइव। और ये हमारे पास पार्ट हैं थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। इसी टाइप का सिक्स भी है, सिक्स भी मैं थोड़ा सा करता हूँ। वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन। तो देखें एफ ऑफ ए क्या आएगा, पहला पार्ट आ जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस सेवन आंसर है। सेकंड पार्ट एफ ऑफ माइनस ए टू, अब एक्स की जगह पे आएगा माइनस ए का स्क्वायर थ्री माइनस ए माइनस सेवन, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर नेगेटिव ख़त्म, ये माइनस आ जाएगा। और जब आपने लेना है माइनस एफ ऑफ ए, इसी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें। फिर हम लेंगे थर्ड पार्ट लिया था एफ ऑफ एच, इसमें पहले हमने ए पुट किया, अब क्या पुट करेंगे एच, तो आएगा टू एच के प्लस थ्री एच माइनस सेवन। फिर हमने इन दोनों को ऐड करना है, इनको ऐड करना भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास होगा, ये देखिएगा ज़रा यहाँ से, ये हम कर रहे थे, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, एफ ऑफ एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस है, ये ऊपर है। अब अगर आपने ये लेना है एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ एच, तो आप इनको ऐड कर दें, टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस सेवन प्लस टू एच स्क्वायर प्लस थ्री एच, इनको दोबारा नीट करके लिख लें, आंसर आ गया। आगे है एंड वाला एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, और जब इसको लेंगे इसको हमने पुट करना है, ये देखिएगा आपके सामने है, यहाँ लिखेंगे टू, एक्स की जगह पे आएगा ए प्लस एच का स्क्वायर प्लस थ्री ए प्लस एच माइनस है, और माइनस एफ ऑफ ए ये हमने अभी ऊपर भी लिखे हैं माइनस टू ए स्क्वायर प्लस थ्री ए माइनस सेवन और होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एच, इसे लिखेंगे टू और ये आएगा हमारे पास टू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर टू ए एच, ये मल्टीप्लाई कर दें, थ्री ए प्लस थ्री एच माइनस सेवन माइनस टू ए स्क्वायर माइनस थ्री ए प्लस सेवन। ये जो माइनस करते हैं ना, जितनी भी रकमें ये सारी की सारी कट जाया करती हैं। जब हम एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए लेते हैं तो ये आएगा टू ए स्क्वायर प्लस टू एच स्क्वायर फोर ए एच प्लस थ्री ए प्लस थ्री एच माइनस सेवन माइनस टू ए स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई एच, थ्री ए गया और टू ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, तो क्या बचा? टू एच स्क्वायर प्लस फोर ए एच प्लस थ्री एच डिवाइडेड बाई एच, और कॉमन क्या आएगा? एच, टू एच प्लस फोर ए प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एच, ये कैंसिल और फिर हमारा आंसर आ गया टू एच प्लस फोर ए प्लस थ्री इज आवर आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स। आगे है डोमेन एंड रेंज। क्या है डोमेन एंड रेंज? इसी में देख रहे हैं चार क्वेश्चन हैं जिनमें हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, और वो हैं सेवन से लेके टेन तक। क्वेश्चन नंबर सेवन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन ओवर एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स। अब डोमेन में वो डोमेन
ओनली डोमेन फाइंड करनी है, रेंज फाइंड नहीं करनी। डोमेन में वो रियल नंबर शामिल होंगे जिनके पुट करने से जो फंक्शन है हमारा अनडिफाइंड भी नहीं होना चाहिए और इमेजिनरी भी नहीं होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे एफ एक्स इज अनडिफाइंड, वेन एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, इसमें से एक्स कॉमन ले लें, क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस फोर, इसको ज़ीरो करें तो एक्स हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो, और जब इसको ज़ीरो करेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस फोर ज़ीरो, तो एक्स स्क्वेयर क्या आएगा फोर, एक्स आएगा प्लस माइनस अंडर रूट टू। अब फंक्शन की डोमेन में शामिल है आर रियल नंबर, ये तीन नंबर निकाल के ज़ीरो प्लस टू अंडर रूट एंड माइनस अंडर रूट टू, ये डोमेन में शामिल नहीं है, बाकी सारे के सारे आर रियल नंबर शामिल हैं। तो हम लिखेंगे डोमेन इस तरह, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो स्क्वेयर रूट टू एंड माइनस स्क्वेयर रूट टू। तो आर ये आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ आर डोमेन आर रियल नंबर माइनस ज़ीरो प्लस माइनस टू का सेट इसमें से माइनस हो जाएगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। अब हम देखते हैं इसी तरह का हमारे पास आगे है, एट भी है, नाइन भी है, टेन भी है, और क्वेश्चन नंबर एट है हमारे पास, यहाँ पे आएगा जी एट। एट में है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स और डिवाइडेड बाय सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस थर्टीन एक्स माइनस फाइव। वही टेक्निक सेम कि यहाँ पे भी जो है फंक्शन एफ एक्स इज नॉट रियल या इज अनडिफाइंड व्हेन सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस थर्टीन एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसके बन रहे हैं इफेक्ट प्लस फिफ्टीन एक्स माइनस टू एक्स माइनस फाइव, ये आएगा थ्री एक्स कामन तो टू एक्स प्लस फाइव और माइनस वन कामन और टू एक्स प्लस फाइव, तो ये आ गया थ्री एक्स माइनस वन और टू एक्स प्लस फाइव, और जब इनको ज़ीरो करेंगे तो एक्स में से आ जाएगा हमारे पास वन बाई थ्री और फिर एक्स आ जाएगा माइनस वन बाई, बाकी जितने भी रियल नंबर हैं उनमें ये फंक्शन डिफाइंड है। तो एफ ऑफ एक्स की डोमेन है ऑल रियल नंबर माइनस ये दो नंबर, तो एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एट ऑल अदर रियल नंबर्स, तो बाकी सब रियल नंबर पे ये डिफाइंड है। तो सो डोमेन आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर माइनस माइनस वन बाई टू, क्योंकि रियल नंबर का सेट होता है इसको भी सेट की नोटेशन में लिखना होता है, तो सेट में से सेट ही माइनस होगा। और फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, नाइन एंड टेन दोनों जो है वो सेम हैं, तो मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टेन, और टेन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री और एक्स के माइनस फोर। अब यहाँ दो बातें आ गई हैं, फ्रैक्शन भी है और स्क्वेयर रूट भी है। स्क्वेयर रूट में देखना है कि अयोटा ना आए, फ्रैक्शन में देखने के नीचे ज़ीरो ना आए, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मौजूद हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें कि एफ एक्स इज़ अनडिफाइंड,
व्हेन एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज ज़ीरो। ये ज़ीरो होगा तो एक्स स्क्वायर फोर होगा, और एक्स क्या आएगा, ये देखें ये टू आना था, प्लस माइनस टू। इन दो वैल्यूज़ पे जो हमारा फंक्शन है टू पे भी और माइनस टू पे भी अनडिफाइंड है। एंड अगली बात लिखनी है, एंड एफ एक्स इज रियल व्हेन, ये जो चीज़ है स्क्वायर रूट में ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, व्हेन फोर एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो हो सकता है, ज़ीरो का स्क्वायर रूट ज़ीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर एक्स इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, और एक्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई फोर। अब जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री बाई फोर है तो इसको मैं ऐसे भी आपको ज़रा लिख दूँ, ये है 0.75। तो हमने वो नंबर लेने हैं रियल नंबर जो 0.75 या 3/4 से बड़े हैं। साथ हम कह रहे हैं कि ये माइनस टू और टू नहीं हो सकता, तो माइनस टू तो इसमें से गया, माइनस टू। अब ये जो है ना, हमने कहा टू एंड माइनस टू, माइनस टू तो इसमें आ ही नहीं रहा, इसमें क्या आ रहा है, प्लस टू। इसका मतलब है कि डोमेन ऑफ एफ इज ऑल रियल, इसको इस तरह लिख, इज दोज रियल नंबर्स, इस तरह कर लें, दोज रियल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू थ्री बाई फोर बट नॉट इक्वल टू टू। तो टू नहीं लेना, नॉट इक्वल टू टू। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, डोमेन आएगी ऑफ एफ ऑफ एक्स आर आर रियल नंबर सच दैट, या मैं इसको और चेंज कर देता हूँ, आप इसको लिख लें एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, आर इज ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री बाई फोर, एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू थ्री बाई टू, व एक्स इज नॉट इक्वल टू टू। दिस इज़ आवर आंसर, कि डोमेन में वो रियल नंबर हैं जो कि थ्री बाई फोर से ग्रेटर दैन है, और जिनमें टू जो है, जितने भी ये थ्री बाई फोर इससे ग्रेटर दैन, इनमें टू शामिल नहीं है। तो दिस इज़ आवर आंसर, बाकी फिर इंशाल्लाह ताला बाद में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।